क्या हुआ तुम्हें? दर्द हो रहा है क्या? तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो? चल सकते हो ना? ये हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, जल्दी से तुम एक विश मांगो। विश मांगो? बस थोड़ा सा सिर दर्द था। वो देखो सूरज ढल रहा है, चलो जल्दी से विश मांगते हैं। मैं ठीक हूं। मेरा विश मांगना अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तो चलो पूरा करो, मैं परेशान नहीं करूंगा। अभी तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तब तो फिर ये परेशानी नहीं रुकने वाली है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे लिए कपड़े क्यों खरीदे? क्योंकि अब हम वापस नहीं जाएंगे। सिटी हॉल में कुछ हुआ था क्या? मेयर ने मुझे बुलाया था, उससे जुड़ी कोई बात है क्या? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी है मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा आराम करेंगे फिर सनराइज देखने जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, मिस्टर जंग ने सबके सामने गुलाबी गालों वाली लड़की का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे लॉबी से बाहर लेकर चले गए, जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। आखिर उनके बीच में चल क्या रहा है? मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था, खुद संभालना चाहिए था।
आप जिस लड़की से प्यार करते थे वो इहांगजू थी? तो ये तुम्हारा काम था, तुम्हीं ने मेयर पर इहांगजू को कहीं और ट्रांसफर करने का दबाव डाला। मेरा एक नाम भी है यूनायोन। मेरे ख्याल से मिस यूनायोन तुम जज्बात में बह जाती हो। मैं कम से कम हाथ पे हाथ रख कर बैठी तो नहीं रहती। तुम्हें कोई अच्छा प्लान बनाना चाहिए था, कुछ भी करने से पहले एक बार सोचा करो। बढ़िया है। वो तो हो गई, आखिर मेरे साथ आई हो। तुम्हारा कमरा उधर है, वहां बाथरूम भी है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ और आराम कर लो, ठीक है? और आप मिस्टर जंगसिनियो, आप कहाँ जा रहे हैं? फ्रेश ना पूरे। अचानक फ्रेश होने क्यों चले गए? गंदे ख्याल मत लाओ, हमें साफ तो होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से हाथ धो रहा होगा। अभी तक फ्रेश हो रहा है? फ्रेश होकर सो गया क्या? मेरे साथ मजाक चल रहा है क्या? मतलब मुझे बुरा इसलिए लग रहा है, हम यहाँ तक साथ आए, कम से कम वो मुझे सोने से पहले गुड नाइट तो बोल सकता था। गलत मत समझना, वो तुम थोड़े बीमार से थे ना, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और कोई बात नहीं थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मतलब अब मैं चैन से जाकर सो सकती हूँ। हाँ बिल्कुल सो सकती हूँ। ठीक है, तो गुड नाइट मिस्टर जंगसिनियो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें अकेले सोने के लिए नहीं कहा है। सो जाओ, अभी देर तक जागोगी तो सनराइज तक नहीं उठ पाओगी। तुम मेरे सामने हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? तो अब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसे ही बोलती रहोगी तो फिर तुम्हें नींद कैसे आएगी, और अगर सोओगी नहीं तो जल्दी कैसे उठोगी? Oh,
मुझे हर नए साल पर सुबह 3 बजे उठाया करते थे ताकि माउंट बुखान से सनराइज देख सके। पहले तो मैं हमेशा ऊपर जाने के लिए मना करती थी, फिर उतरते वक्त थकान से मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन मेरे डैड के गुजर जाने के बाद से नए साल का पहला दिन हमेशा अकेले बिताया और दिन भर सोती रहती थी। शायद मैं याद नहीं करना चाहती थी कि मेरे डैड अब नहीं रहे। मेरे लिए हर बार नए साल की ऐसी ही घटिया शुरुआत होती थी। आज के लिए थैंक्स, मेरे साथ होने के लिए। ठंड नहीं लग रही? इतना सह सकती हूँ क्योंकि मैं भालू हूँ। मुझे लग रही है क्योंकि मैं भालू नहीं हूँ। ये तुमसे किसने कहा? सोचा नहीं था तुम यहां भी मिल जाओगे। मुझे भी तुम्हें इस तरह देखने की उम्मीद नहीं थी। आप यहां क्या करने आए हैं मिस्टर क्वान? मैं हर नए साल पर यहां सनराइज देखने आता हूं। और भी कई बढ़िया जगह हैं। तुम यहीं पर क्यों आए? तुम भी तो यहीं पर आए हो। अब हम लोग मिल गए हैं तो साथ में चलकर थोड़ी तुक्कु खाए। ऐसा सोचना भी मत, मुझे नहीं खाना। मुझे खाना है। चुपचाप आराम से बैठो और खाकर यहाँ से चले जाओ, मैं खाना बना रहा हूँ। तुम इतने भी बड़े शेफ नहीं हो समझे? मैं हमेशा कहता हूँ ना, अगर मैं किसी चीज में दिमाग लगाता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपने फोन पर रेसिपी देख कर तो ये नहीं बनाने वाले हो ना? मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा भी बनाओ, बस खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? कोई हेल्प नहीं चाहिए मिस होंगजो, बस डिस्टर्ब मत। वाओ, ओवर कॉन्फिडेंट फूल, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अब तुम्हें खुश देखा तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं था आप भी जोंगडोंग जिन सनराइज देखने आएंगे। मेरे पास लास्ट ईयर की कुछ फोटोज हैं, देखना चाहोगी? हाँ। पिछले साल मौसम बहुत अच्छा था, फालतू लोग जो नहीं थे। वाह, आप कितने कमाल के फोटोग्राफर हैं। अब भालू मेरी तारीफ कर रही है तो फिर अच्छी फोटोज खींची होगी। और फोटोज देखना चाहोगी? ओह, गड़बड़ हो गई। मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं जीरो हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा सामान वेस्ट हो जाएगा। हद है यार, नए साल में मैं किसी को ऐसा खाना कैसे खिला सकता हूँ। चलो ऑटो, मैं बनाता हूँ। ओह थैंक यू। आपको कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं, मैं कर लूंगा। चलो अपनी रेसिपी अपने पास रखो। खाना बनाने के लिए थैंक्स। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत टेस्टी है, खुशबू भी कितनी अच्छी है। मैंने आज तक इससे बढ़िया त्योगुक नहीं खाया है। तुम कुछ भी बोलती हो अच्छी लगती हो।
सिर्फ इसकी बोली ऐसी है जो बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो इसे, खूबसूरती तो दूर दूर तक नहीं है। ये तुम्हें किसने कहा? बात तो सही है। मेरे खानदान का इतिहास है और इससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। मेरे डैड का मानना है कि हमारे परिवार के ऊपर एक श्राप लगा हुआ है। कोई बीमारी दूर करने का मंत्र भी नहीं है इसमें। तुम्हारे कॉल का इंतजार। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी क्यों ना दिमाग शुद्धि का मंत्र इस्तेमाल किया जाए। इससे बीमारी तो दूर नहीं होगी लेकिन दिमाग शांत जरूर कर देता है। मुझे अपने घर बुलाना चाहती हो क्या? ऐसा कब कहा? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हाँ आती है ना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। फोन क्यों रख रही हो मेरी? हेलो सुनो, रख दिया। उठाने में इतनी देर क्यों की? वो जरा मैं कुछ पढ़ रहा था और मेडिटेशन वर्ड पढ़कर मेरा दिमाग भटक गया और मैं भूल गया कि तुमने कॉल किया। अच्छा तो मैं तुम्हारे पढ़ाई के टाइम पर डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? ठीक है मैं फोन रखती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगा ना। इस किताब की सबसे अच्छी लाइन क्या है? तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या इस किताब में ऐसी लाइन लिखी है? ये तो मेरी लाइन थी। सुबह तक तो हम साथ ही थे ना, लेकिन इस वक्त तो तुम दूर हो ना। चलो लेट जाओ। अब लग रहा है साथ है। बेडरूम में चला जाऊं क्या? अभी मत जाओ। क्यों नहीं, सोफे से ज्यादा बिस्तर पर लेटना आरामदायक होता है ना। मैंने कहा ना अभी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ अभी क्यों नहीं जाना है? पता नहीं, कुछ और बात करें। तुम मुझे इतना कब से पसंद करने लगी? नहीं कुछ और बात करो। अच्छा तो तुम मुझसे कुछ और बात करो ना। कितना प्यार करती हो ये तो बता दो। अरे नहीं कुछ और बात करो ना। ठीक है फिर कब से मुझे चाहती हो ये बताओ। अब बस भी करो ना। अच्छा चलो जंक्शन यू तुम्हें कब से पसंद है इतना तो बताओ। चलो अब मैं फोन रख रही हूँ। मेयर के साथ मीटिंग में आपकी क्या बात हुई? वो इतने खुश नहीं दिख रहे थे। बिना नॉक किए अंदर आने का टाइम खत्म। आइंदा जब भी तुम्हें कैबिन में आना हो तो नॉक करके ही तुम्हें अंदर आना है, बिना परमिशन के नहीं आना है।
मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकें। ये फ्लावर पॉट कहाँ से है? अच्छा ये आप नहीं थे तभी आपके लिए कोई देकर गया। मुझे तो लगता है ये आपकी गर्लफ्रेंड ने भेजा है। शायद अब वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी है। हाँ। अच्छा सर वो गुलाबी गालों वाली लड़की जिसके साथ आप बाहर गए थे वो उसके गाल गुलाबी नहीं है। क्या सच में? चीफ मां इसके लिए आई एम सॉरी। काम के वक्त तभी छुट्टी मिल सकती है जब तुम्हारे लिए जाना बहुत ही जरूरी हो। फिर भी तुम्हें किसी को बताकर जाना चाहिए था। हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी मैम। अगर दोबारा तुमसे ऐसी गलती हुई तो फाइन क्यों नहीं लगा देती हो? चलो इस साल कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि इससे हम अपने पब्लिक फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। कोई लेट आता है या बिना बताए जाता है या कोई गलत दस्तावेज देता है तो फिर हम उस पर फाइन भी लगा सकते हैं और ये पैसा किसी एक को मिलेगा। क्या कहती हो? और ये पैसा किसके पास जाएगा? हम सब में से जो सबसे पहले शादी करेगा। अपने लिए शुरू करना चाहते हैं ना? चा सुंगयोंग के साथ सेट हो गए? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप रिजेक्ट हो गए? मुझे ये पता था। आपके साथ जब वो डेट पे जाने के लिए तैयार हुई तभी मुझे लगा गड़बड़ है। आप डेटिंग वाले मटेरियल नहीं हो। मिस चा सुंगयोंग ने कहा है कि मैं उन्हें बहुत पसंद हूँ। चुप करो। कुछ सोचते हैं किसे मिलना चाहिए। किसी बीमार को मिले तो अच्छा है। ओह बिल्कुल नहीं, शादी वाला ही ठीक है। मेरा कॉम्पिटिशन मोड ऑन। मेरा भी। जंक्शन यू बोल रहा हूँ। ग्रीनवे बिल्डिंग डिवीजन में सबसे लंबे वक्त तक कौन से एम्प्लॉई ने काम किया था? अच्छा ठीक है, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। तुमने तो मुझे कॉल करना भी छोड़ दिया। इसलिए तुमने फ्लावर पॉट भेजा? मैंने जानबूझकर भेजा था। शायद इसी बहाने कम से कम तुम मुझे कॉल तो करते। लगता है तुम्हारा प्यार अब परेशानी बन रहा है। कंस्ट्रक्शन खत्म होने तक तो मेरे साथ रुक सकते थे। अगर मुझसे ऐसी उम्मीद थी तो तुम्हें मेरे डैड से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुमने अच्छी खासी वजह दी थी। मैं ही उसके पीछे पड़ा था। पहले मुझे उससे प्यार हुआ था, इसलिए सिर्फ मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने उसकी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखी, पता चला वो लगातार हमसे पैसे ऐंठ रहा है। पतझड़ के क्रिसेंथेमम फेस्टिवल में भी, हाल ही में हुए हमारे बोइंग जे फेस्टिवल में भी। ये आदमी तो बड़ा कमीना निकला, ऐसा लगता तो नहीं था। क्या मैं भी इस घोटाले की चपेट में आ तो नहीं जाऊंगा ना? वैसे तुमसे पूछताछ तो होगी, लेकिन अगर पता चलेगा कि तुमने एक्शन लिया है उसके खिलाफ तो फिर तुम्हें इसमें ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके अभी के और आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। उसने विरोध किया तो मामला कोर्ट तक भी जा सकता है और इसके लिए तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे तुमने उसे अपने सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं क्या? क्योंकि उसकी कंपनी के अलावा तुम किसी पर काम ही नहीं कर रहे। आपको मुझ पर घूस लेने का शक है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक रिवाज बन गया है, ये सच नहीं है। और क्या मुझे बताएंगे कि ये रिवाज कब, कैसे और कहां शुरू हुआ? हमें उस पर दया आ गई थी। नाजुंग बाम की वाइफ जो है वो 5 साल पहले लापता हो गई थी और पुलिस ने कई बार उससे पूछताछ भी की थी। हस्बैंड होने की वजह से पहला शक उसी पर था और इसी वजह से पूरे सिटी हॉल में अफवाह उड़ गई कि वही उसका कातिल है। बात बिगड़ चुकी थी। देखिए उसका नाम ही ऐसा है, नाजुंग बाम। ये भी कोई नाम हुआ? सुनकर ही लगता है कि वो कातिल होगा। और फिर
वो सभी आरोपों से भरी हो गया और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अफवाह एक बार उड़ गई तो जल्दी खत्म नहीं होती है ना, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया और हर दिन पीना शुरू कर दिया। और उस वक्त हमारे डिवीजन के जो चीफ थे उन्हें उस पर तरस आ गया और सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने के लिए चीफ ने सारे प्रोजेक्ट्स उसे दे दिए और इसी वजह से वो हमारे साथ काम करने लगा। पर उसकी वाइफ के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पता तो नहीं चला। ठीक है, तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो ज्यादा पैसे ऐंठ रहा था तो लीगल एडवाइजर ने उसे पकड़ लिया। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, काम अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के साथ करना चाहिए था। तुम ट्री रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को कैसे संभालोगे? वो प्रोजेक्ट हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। ओके, मिस ई हंगजो, हमें बल्ब लगाने का प्रोजेक्ट ग्रीन लैंडस्केपिंग गार्डन्स के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ करना है। मुझे कंपनीज की लिस्ट भेज दो। ओके, क्यों ना हम नए साल की शुरुआत टीम डिनर के साथ करें? मुझे ना किसी से मिलने जाना है। क्यों? मिस चार सिंह यून के साथ दूसरी डेट पर जा रहे हो? नहीं नहीं, एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, बहुत बड़ी और बहुत लंबी ट्रिप है। और तुम लोगों का क्या? आई एम सॉरी, पर हमारा प्लान पहले से ही बन चुका है। ओके, पर तुमने तो मुझे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो। और चीफ पक, तुम? मेरे तो पेट में दर्द है। हेलो, कैसे हो? चलो जल्दी करो। तुम हाथ पकड़ कर गई थी? तो ये सच है। इसके अलावा तुम दोनों के बीच और क्या हुआ था? हा? चलो पहले कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर लेते हैं। रुको रुको, थोड़ा शांत हो जाओ। जो भी मंगवा रही हो उसमें गार्लिक होना चाहिए। मुझे पेपर पसंद है। तो वो भी मंगवा लो ना। ठीक है। ये कैसा रहेगा? हाँ, यही मंगा लेते हैं। तुम ऑफिस से निकल गई? हाँ, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है मंगवा लो। ड्रिंक कौन सा ऑर्डर करें? सीनियर्स के साथ बाहर आई हूँ टीम डिनर पर। इस बार मैं नॉक करके अंदर आया हूँ ये बताने के लिए कि मैं घर जा रहा हूँ। मिस्टर पार्क, आपको मेरा दोस्त बनना है ना? हाँ, उसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा, एक बात बताना, आखिर लीगल एडवाइजर तुम्हारा हाथ पकड़कर बिल्डिंग से बाहर क्यों गए? मिसी, वो दरअसल फॉर्मेलिटीज छोड़ो, तुम्हें हुआ क्या है? वैसे ये चिकन बहुत ही टेस्टी है, तीखा और चटपटा। लहसुन भी अच्छा लग रहा है। सच में? मेरी बात सुन भी रही हो क्या? कितनी बार पूछूं तुम्हारे और एडवाइजर के बीच हुआ क्या? वो मैं दरअसल लीगल एडवाइजर के साथ मैं बाहर घूमने जाती हूँ। मुझे ये बताओ, तुमने उसे पटाया कैसे? हाँ, मैंने एक मंत्र पढ़ा था, प्यार का मंत्र। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तो दरअसल हुआ ये कि वो यहाँ आ गया है। हाँ, चकराने वाला लौंडा। अरे वाह, लगता है यहाँ पूरी टीम आज डिनर करने आई है। अच्छा हुआ कि हम दोनों भी यहाँ आ गए। मिस्टर पार्क मेरे साथ ड्रिंक करने की रट लगा रहे थे। तुम ड्रिंक करोगे? नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मिस्टर पार्क ही ड्रिंक करें। हाँ, मेरा आज ड्रिंक करने का मन है, आइए ना सर। क्यों ना
आप भी हमें ज्वाइन करें? नहीं, इसका मतलब है कि इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं। इस तरफ बैठिए ना, आखिर हम सब एक परिवार जैसे ही तो हैं। आप यहाँ बैठिए। कौन है? सिक्योरिटी वाला। इतनी रात को आने के लिए थैंक्स। अरे तुम यहाँ? कोई बिना देखे भी दरवाजा खोलता है क्या? तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? हैं? हो सकता है इतनी रात को कोई अजनबी हो। पहले इंटरकॉम पर देख लिया करो, उससे पूछो किस काम के लिए आए हो और उसका आईडी भी चेक करो। अचानक यहाँ आकर मुझे लेक्चर मत दो। लेकिन तुम ये सामान क्यों लेकर आए हो? कहा था ना ट्रिप पर जा रहा हूँ, यही तो है मेरा डेस्टिनेशन। क्या? एक बात बताओ, हम तीनों में से क्या कोई भी आपकी टाइप की नहीं है? नहीं तो? एक सेकंड, पक्का कोई आपके टाइप की नहीं है? देखा जाए तो मेरा कोई स्पेसिफिक टाइप है नहीं, और जरूरी नहीं ना कि अगर कोई पसंद आ जाए तो उसे डेट करना है। सही बात है, जैसे अब ब्यूटी एंड द बीस्ट ही ले लो, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे लेकिन बहुत हो गया। इस बार बॉटल मैं घुमाऊंगी। आप जिसे डेट कर रहे हैं उससे ब्रेकअप करने वाले हैं क्या? ब्रेकअप तो मैं कर चुका हूँ। तुम्हारे घुटने में चोट लगी है क्या? हाँ, अगली ड्रिंक सबको मेरी तरफ से, क्या कहते हो? जरा ये देखो। ये क्या है? वाओ, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बहुत अच्छे। अच्छा है ना? बेशक तुम्हारे साथ रहने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो, मेरे साथ रहने के बहुत फायदे हैं, क्यों ना हम लोग साथ में रहकर एक बार देख लेते हैं? नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। बस मुझे साथ नहीं रहना है। तुम्हें मुझसे दिक्कत है या मेरे साथ रहने से? दोनों से। तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ? तुमने मुझे चौसुंग योन के साथ डेट पर भी नहीं जाने दिया, आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम मेरे हो ऐसा भी नहीं कह रही हूं। अच्छा, तो क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती? चाहे तुम मुझे अपना एक नौकर ही समझ लो, हा? मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगा। मुझे भरोसा नहीं है, मेरे एक्स ने भी ऐसा ही कहा था। कुछ जज्बात होते हैं जो 20 साल बाद भी नहीं बदलते। तुम जानती हो ना, तुम मेरा पहला प्यार हो। ठीक है, मैं समझ गया। गुड बाय। अपने प्रपोजल में बदलाव करो और फिर से सबमिट करो। टाइपोज बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, अगले प्रपोजल में गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? आप क्या गाएंगे मिस्टर जंग? मैं नहीं गाऊंगा, तुम अपने लिए ढूंढो। ये गाना उस वक्त मैं तुम्हें ये बताने जा रही थी कि बाद में बताना। ये अभी अभी सिंगल हुए लीगल एडवाइजर के लिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पता है, जल्द नया प्यार मिल जाए तो ये सॉन्ग आपके लिए। Once and then some peace in my heart.
Mr. Park Jidong! खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, मैं गाऊंगा। सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं तो तुम लापरवाही मत करना, देर से घर आओ तो प्लीज मुझे बता देना। तो क्या हर बार घर छोड़ने आओगे? उस फूल वाले से सावधान रहना और क्वान शेग्योंग पर नजर रखना, मुझे छोड़कर हर आदमी खतरनाक है। हाँ, समझ गई, अब जाओ, बहुत रात हो गई। आजकल तुम्हारे लाइट पंखे सब सही चल रहे हैं ना? पिछली बार शायद तुम्हारी लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, है ना? मुझे लगता है एक बार ऊपर जाकर चेक कर लेता हूँ। सब बिल्कुल ठीक है। तुम अकेले खाना नहीं खाती तो क्या तुम्हारे साथ मैं खाना खा सकता हूँ? हमने अभी अभी तो टीम डिनर किया था, भूल गए क्या? तब शायद कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम भी ना। मैं बहुत बदमाश हो। मैं इससे भी ज्यादा बदमाश हो सकता हूँ। वहाँ नहीं जाना है, अपने घर जाओ। अरे मैं कब से बहाने बना रहा हूँ, मुझे घर नहीं जाना है। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रुकना है। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब बिल्कुल नहीं? आराम से गाड़ी चलाना और घर सेफली पहुँचना। तो मतलब मैं जाऊँ? अब बेल्ट लगा लो,
आप यहाँ पर? तुम घर के सामने ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं और शराब लाना चाहता था पर घर से निकल ही नहीं पाया। लगता है आपने पहले से काफी पी रखी है। हाँ, मैंने पी रखी है। मेरे लिए सोजू की एक ही बोतल काफी, आज मैंने दो पी ली और पता है और पीने का मन कर रहा है। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे पसंद करती हो। वो 27 सितंबर का दिन था, अभी 100 दिन भी नहीं हुए और तुम किसी ग्यारह ग्यारह के लिए मेरा दिल कैसे तोड़ सकती हो? यार तुम्हारा प्यार एकदम से कैसे बदल गया? मैं बस पसंद करती थी पर प्यार नहीं था। अरे फिर भी कुछ दिन तो अपनी पहली पसंद पे टिकती। सच कहता हूँ यार, तुम्हारी जोड़ी बहुत बेकार है। देखो इतना हाइट डिफरेंस है, ऐसा लगता है जिराफ के साथ लोमड़ी जा रही है। तुम्हारी जोड़ी मेरे जैसे भेड़िये के साथ अच्छी लगेगी। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए और हम दोनों को फिश पसंद है। मिस्टर क्वान, दोबारा मुझे इस नाम से नहीं बुलाना। जब शिनियो का नाम लेके बुला सकती हो तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? नो मिस्टर, मिस्टर सीधे नाम लो, मेरा नाम लो ना, मुझे टेंशन हो रही है। इतना मुश्किल तो नहीं है, कौन से गांग सिंपल तो है। कौन बाहर आइए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैं समझ सकती हूँ, पीने के बाद हम सबसे गलतियाँ होती हैं। मैंने कोई गलती कर दी क्या? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। अगर याद नहीं होता तो फिर आप मुझसे छुप क्यों रहे थे? मैं छुप कहाँ रहा था, मेरा फोन छूट गया था, बस वही लेने गया था। अच्छा, तो इसलिए आप भागे थे, फोन भूल गए थे इसलिए अंदर गए थे। शायद फोन के पैर निकल आए हैं इसलिए इधर उधर घूमते रहता है। सुनो हंजो, कल रात जो बात मैंने तुमसे नशे में कही थी वो उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। पर मैं चाहता था कि तुम उसे सीरियसली लो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओ। मिस्टर कौन मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता है। क्या तुम्हें हलुसिनेशंस फिर से होने लगे? काफी दिनों से ये सब दिखना बंद हो गया था लेकिन कुछ दिनों से ये फिर से शुरू हो गया है। एक MRI होती है जो बीमारियों के बदलाव की जांच करती है। अगर उसके रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव आ जाए तो हमें तुम्हें साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में भेजना होगा। ये कहना बहुत मुश्किल हो गया डॉक्टर कि मैं नॉर्मल होना चाहता हूं या नहीं। बाद में मैं आपको बताता हूं। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा जल्दी करो क्योंकि MRI के बाद ही कुछ कह पाएंगे। इसी लड़की ने तुम्हें मारा था, वो खून से सने हाथ जो तुम्हें सहलाते हैं वो उसी के हैं। एक बहुत ही जानलेवा श्राप लगा है मुझे, एक जानलेवा श्राप जो एक से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है और कभी खत्म नहीं होता। मैं गुनहगार हूं लेकिन मुझे एक सवाल पूछने दो।
कुंजू पहाड़ के टेंपल पर जाओ और उसकी देखभाल करो। तुम्हारी हर पीढ़ी को यह करना है। तुम्हें एक बात बताऊं क्या? अगर मैं पिछले जन्म में तुम्हारा कट्टर दुश्मन होता तो क्या होता? तुमने फिर से सपना देखा? पिछली बार तुमने कहा था कि तुम राजघराने से थे और इस बार तुम एक नौजवान राजकुमार थे और मैं तुम्हारी एक आज्ञाकारी दासी। हाँ, ऐसा ही कुछ था। मतलब कुछ भी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें बहुत सताया होगा या ऐसी सारी चीजें तुम्हें अचानक याद आ गई तो तुम क्या करोगी? तुमसे नाराज होकर ब्रेकअप कर लूंगी। मजाक कर रही थी। ये सब कौन सोचता है? हमारा साथ जरूरी है। वादा करो तुम अपने ख्याल कभी नहीं बदलोगी। अब इसमें वादा क्यों करूं? चलो अपनी आंखें बंद करो। फिर किस करोगे ना? प्यारा है। अब तुम छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपके लिए गिफ्ट, अच्छे से यूज करना। ये ऐसा कैसे कर सकती है? उस दिन ड्रिंक्स के वक्त इसने हमें कुछ भी नहीं बताया था। ओह, सही कह रही हो। यकीन नहीं होता। मुझे यही चीज सबसे बुरी लगती है, अनजान बनकर ये सब करते हैं। गुड मॉर्निंग, सब कैसे हो? मॉर्निंग में गुड है ही क्या? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ बात करनी है। वो फोटोज तुम्ही ने अपलोड की है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अभी तक शिन्यू के साथ ब्रेकअप नहीं किया है। तो सच में तुमने अपलोड नहीं किए? कहा ना मैंने नहीं किया है। हो सकता है कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा हो। डरने वाली बात है ना। तुम्हारी जगह मैं होती तो यहाँ बकवास करने की बजाय उस स्टॉकर को ढूंढती। उस स्टॉकर को मेरे पीछे तुमने लगाया ना? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो? समझ सकती हूँ, हर जगह तुम्हारी ही चर्चा है। वो लड़की जो हर जगह मुंह मारती है। मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। तुम कभी भी सच कबूल नहीं सकती। खैर छोड़ो,
जाओ अपना काम करो। देखो ये वही है फोटो वाली लड़की। इसका तो मस्त लव ट्रायंगल चल रहा है। मुझे तो जलन हो रही है, दोनों सिटी हॉल के हैंडसम लड़के हैं। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ? और किसने कहा मेरा प्यार बदनाम है? मैंने सच में प्यार किया है। Have a good day. फोरम पर अपलोड करते ही इन्हें हटा दिया गया, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर इसका बवाल मचा दिया। पूरे सिटी हॉल में इसी की बातें हो रही हैं, और ये देखकर मेयर का गुस्सा बढ़ जाएगा। और मेरे 5 साल के करियर में मैंने सिटी हॉल में इतना बड़ा स्कैंडल कभी नहीं देखा। कहाँ जा रहे हैं आप? इहंगजो से मिलने जा रहे हैं। अगर इस वक्त मैं उससे मिल गया तो इससे सिर्फ मामला बिगड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन। हाँ तो फिर रुकी क्यों? हमें बताया क्यों नहीं तुमने? याद है उस दिन उनका दिल जीतने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया? पागलपन था। अब मैं उन्हें अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? शर्म आ रही है मुझे। कम से कम उस वक्त हमें रोक देती, पर तुम्हें तो उस वक्त मजा आ रहा था ना? हाँ, हंस रही थी हमारी पीठ पीछे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, बस बता नहीं पा रही थी। हाँ, तुम बता नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा कई लोगों के साथ चक्कर चल रहा था, इसके 2 दीवाने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। इससे ज्यादा मुझे तुम जैसी लड़कियों से नफरत है। कम से कम ये कुछ छुपाती तो नहीं है, और तुम एकदम भोली बनने का नाटक करती हो। चलो, तुम्हें क्या हुआ? सुनो मिस यू, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बिजी हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो? पूरा माहौल खराब हो रहा है। अगर उससे प्रॉब्लम है तो थप्पड़ लगा दो ना। बहुत ही घटिया सलाह है। लोगों की लड़ाई देखकर मजा तो आता है। ठीक है तो मैं जाकर ट्री रिप्लेसमेंट्स का काम देखता हूँ। सिर्फ एक ही पेड़ है ना, ये रिवाज वो अकेले में क्यों करते हैं? आप जानना चाहती हैं इसलिए मैं खुद जाकर वो काम पूरा करवाऊंगा। और एक बात और, डॉक्यूमेंट्स पर दोबारा काम शुरू करवा दिया है, आप बेचैन ना हो। बेचैन बिल्कुल नहीं हूं। एक तो 3 मीटर से बड़ा पेड़ सूख गया, ऊपर से ऑफिस का ये स्कैंडल। साल तो अभी शुरू ही हुआ है, पता नहीं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। आपने काम पूरा कर लिया? तो क्या आपको मुझ पर शक था? यहां आते वक्त मुझे कुछ अजीब लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। ऐसा लग रहा है आप किसी बड़े स्कैंडल में फंस गए हैं। वो स्कैंडल नहीं है, वो एक क्राइम है। बिना इजाजत के किसी की फोटो खींचना गैर कानूनी होता है। उन्होंने फोटोज अपलोड भी कर दिए क्या? आखिर कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है? अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, मतलब तुम्हारी लापता बीवी का। लगता है मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। थोड़ा सा,
पता है कल मैं सोच रहा था कि इंसान भी कभी कभी कितना अजीब होता है। तुम यहाँ शिकायत करने आए हो कि तुम्हारी कंपनी को सिलेक्शन प्रोसेस से क्यों बाहर कर दिया गया है, और अजीब बात है तुमने इस बारे में तो कुछ बात ही नहीं की। अच्छा तो आप उस बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर और ऊपर, बस बस बस, रुक जाओ, उधर लो उस तरफ, बस 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 बस, रुक जाओ, अरे बस करो, क्या कर रहे हो? क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया? अरे बाप रे, ये क्या, इंसान की हड्डियां है। मतलब ये गड्ढा सच में है? ये किसने किया होगा? तुम्हें क्या लगता है जब ये पार्क बना तब ग्रीन लैंडस्केपिंग कंपनी शामिल थी? हो सकता है, लेकिन उस वक्त कंपनी का नाम कुछ और रहा होगा। तो क्या जिस वक्त पार्क बन रहा था उसी वक्त मिस्टर नाजंगबम की बीवी लापता हुई थी या उसके बाद? वो काफी पहले लापता हुई थी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसा मत करो। मिसी होंगजो, तुमने उस वक्त जो कहा था
वो मैं अब समझ पाई हूँ। तुमने कहा था ना मैं तुम्हारे सपने में आई थी, मैंने भी तुम्हें अपने सपने में देखा। यहाँ तक कि मेरे घर के सभी नौकरों का भी नाम है, तुम्हें बिना नाम के तो नहीं बुला सकता ना, इसीलिए मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। तुमने क्या देखा? मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं कभी नहीं देखना चाहता।